मेरे साथ में है 28 सितंबर बैच। तो भाई एक बार जोरदार ताली आगमन के लिए। देखो ये तो जोश है, ये जोश मेरे भाई एसर टेलीकॉम में दिखता है और ये जोश इनको पूरे 30 दिन तक दिखाई देगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वेरी गुड। और यहां पर ये सीखने आए हैं एक अपेक्षा के साथ, एक सपने लेकर कि सर आईसी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सीपीयू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, डुअल लेकर करेंगे कि नहीं करेंगे, एमएमसी आपकी सॉर्टिंग डेट डायग्नोस सर ये सब कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, या मैं बात करूं कि स्कीमेटिक पढ़ना पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, या ऐसा तो नहीं कि यहां जाने के भी बोलने वाले बन जाएंगे। तो ये सोच लेके आए हैं और इनकी सोच पूरा करेगा एसर टेलीकॉम, ठीक है? और इस उम्मीद के साथ ये आए हैं और इस उम्मीद को पूरा करेंगे एसर टेलीकॉम। तो यहां पर जितना भी मैंने आपको सिलेबस समझाया, समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को आया समझ में? मुझे बताइए। दो दिन के बाद यहां पर नहीं, पहले कर एक दिन के बाद, कल की क्लास के बाद परसों की सुबह कौन कौन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड से एक डुअल लेकर सीपीयू रिवॉल्व करेगा बताइए खुद से। देखो ये कॉन्फिडेंस दिया है हमने इनको, ये कॉन्फिडेंस हम में है तो हम इनको देंगे। अगर हम में दम होगा तो देंगे सर, नहीं होगा तो ये बातें होंगी नहीं। ये बातें वही कर सकते हैं जो करवा सकते हैं। तो दम होया तभी करवा सकता हूं और इनसे एक एक से करवाऊंगा मैं। मुझे बताओ यहां पर किस किस ने एसएमडी नहीं छुई सर बताइए ईमानदारी से? आईसी को कभी नहीं निकाला। ये देखो कितने सारे लोग हैं अभी हाथ खड़े किए, इन्हीं लोगों का 30वें दिन में, मतलब परसों की क्लास में लाइव 4G पावर निकलवा के लगवाएंगे। कौन कौन निकाल के लगाएगा जल्दी बताओ? सुबेरे से शाम तक नहीं भी नहीं करेंगे, सिर्फ 11 बजे 10 बजे ही क्लास खत्म कर देंगे, 8 बजे शुरू करेंगे 10 बजे ही खत्म कर देंगे, 10 बजे ही रिजल्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद लाइव 4G सीपीयू करेंगे 1 तारीख को। कौन कौन करने वाला है जल्दी बताइए? पक्का? यस सर। पूरा कॉन्फिडेंस है? यस सर। आप पढ़ो हम पर? यस सर। वेरी गुड। फिर उसके बाद में हमारी थ्योरी क्लासेस चलेंगी विद प्रैक्टिकल, हर एक चीज का प्रैक्टिकल दिया जाएगा और भर भर पेट दिया जाएगा। देखो आपने सुना होगा एसर टेलीकॉम सर 12 घंटे 14 घंटे, चलो देखते हैं इनके मुंह से क्या 12 घंटे वाकई में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ाएंगे, ये आप बैठे हो जो भी चीजें लाइव है भाई, लाइव चल रहा अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम यूट्यूब में हमने चलो बहुत बोला चलो 12 घंटे पढ़ाएंगे, अभी 14 घंटे पढ़ाएंगे, अब रियलिटी आपको कल पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर 12 घंटे सर बात 12 घंटे की नहीं है ना बात, तो सर आप हमें 24 घंटे पढ़ाओ, समझ में भी तो आना चाहिए। यस सर। हमको मजा भी तो आना चाहिए। यस सर। हमको आगे पढ़ने का इंटरेस्ट भी आना चाहिए। यस सर। सो बेसिकली 2 तारीख के बाद में, और मुझे बताओ डेड डायग्नोस के बाद में ब्लैक टेस्टेड यहाँ पे कौन कौन करना चाहता है जल्दी बताइए? पक्का? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताइए डुअल लेकर कौन कौन करने की उम्मीद से है यहाँ पर? चलो ठीक है, तो आप लोगों को एसर टेलीकॉम क्या क्या फ्री दे रहा है, क्योंकि भाई बोलना पड़ रहा है क्या करे काम है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर एक बार मैं ये बोर्नियो का मेन दफ्तर है, ये है रिजल्ट। सो एक बार इनके लिए जोरदार ताली भाई। मैं बोर्नियो के हेड को ये कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रोवाइडिंग मी दिस, एंड ये आपने मुझे दिया है 1 महीने के लिए फ्री, एंड थैंक यू सर आपने डायरेक्ट दिया है रिजल्ट सर। सो इनकी वजह से ये हुआ है कि इन लोगों को 1 महीने जो बोर्नियो यूज करेंगे वो बिल्कुल फ्री होगा, ताकि यहाँ से पढ़ने के बाद जब ये दुकान जाके अपना बोर्नियो यूज करेंगे तो वो अपना 15-17 महीने पूरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोर्नियो की आईडी आप लोगों को हमारे इंडोनेशिया के रिजल्ट बोर्नियो स्कीमेटिक टीम की तरफ से दी जा रही है। इसके साथ अगर आपको प्रैग्मा फिक्स भी चाहिए, मान लीजिए कल दिखाना चाहता हूँ ये, तो ये है यौम की प्लास प्रैग्मा फिक्स के ऑनर, एक बार इनके जोरदार ताली बजा दीजिए। सो एक बार मैं इन पे गोला लगा दूं सर को पता चल जाए ये सर है, तो यौम की प्लास ये है प्रैग्मा फिक्स के हेड और यही है क्रिएटर, और ये सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, काफी अच्छा नॉलेज है इनका। तो प्रैग्मा फिक्स जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है ये भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये प्रैग्मा फिक्स सॉफ्टवेयर इन्होंने पूरा डेवलप किया हुआ है, जिसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग ई बुक है, ट्रेनिंग वीडियो है। जब ये शुरुआत में लॉन्च हुआ था तो इंडिया में सबसे पहले लॉन्च मैंने किया था, तो मेरे कोरोना के टाइम पे 2020 के आईफोन के काफी वीडियो मैंने बनाए थे, है ना,
ट्रेनिंग के बनाने के और एंड्रॉइड के, तो वो वीडियो मैंने इनने अपने अपलोड किए थे। तो मैं इंडिया फर्स्ट इंस्टीट्यूट हूँ जो एक विदेशी संस्था के सॉफ्टवेयर में पहले जिसका मैं ट्रेनिंग के वीडियो फ्री में अपलोड हुए और उन्हें पूरे दुनिया में देखा गया। तो अब उसके बाद क्यों, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फेमस होता गया। और इंडिया में क्या है, इंडिया में यहाँ आदमी कंधे पे हाथ नहीं डालता है, पेट में छुरा डालता है, बात समझो। कंधे पे हाथ नहीं डालता पेट में, तो यही प्रवृत्ति है जिसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है, वो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, छुरा नहीं डालते। तो ये प्रवृत्ति हुई तो लोगों ने, बाकी इंस्टीट्यूट ने इनका ये लेने से मना कर दिया। बोले सर हम आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपके इसमें देवता रखवाले से वीडियो डाले, तो ये हम अपने स्टूडेंट को देंगे तो ये एशिया टेलीकॉम का प्रमोशन हो जाएगा। तो इस चक्कर में उन्होंने हमारे वीडियो हटाए और उसके लिए भी मेरे को मेल दिया, बोला सर ये प्लीज मुझे करना पड़ रहा है। मैंने बोला बिल्कुल करो, मेरा कोई आपसे कोई ऐसा संबंध या कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं है कि मैंने आपसे बनाया, आपने मेरे को ऐसा फ्रेंड ये डाला और आपने मेरी नॉलेज को समझा और आपने पूरे इंडिया में देखा, ठीक है मैं ये मानता हूँ। एक साल रहा, बहुत अच्छी बात है। अभी भी पर इन्होंने ये किया है, ये चाह रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाइए मैं डालूंगा, पर अभी मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा सर बताए। और डाटा सीट, फोन की डाटा सीट है, बहुत सारी फोनों की यहाँ पर डाटा सीट मिल जाती है यहाँ पर, ये देखिए। और ये जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये डाटा सीट है, स्कीमेटिक बिट मैप प्रिपेयर गाइड कंप्यूटर और ये सब। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और एक टाइम हम एक और सज्जन को कहना चाहेंगे क्लास शुरू होने से पहले, देखिए। और ये बिग थैंक्स जो होगा वो है इंडिया के जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर मलिक, जेडेक मलिक सर। सो ये मलिक सर सुनो, एक बार इनके जोरदार ताली बजाओ जेडेक मलिक सर। ये कब की फोटो है, ये है 2020 की, कोरोना के जस्ट पहले की वो फोटो है मेरे ख्याल से। और जब मैंने उनसे फर्स्ट टाइम नहीं, 2019 की है ये, बहुत पहले डाली थी, 21 में हमने डाली थी, पर ये 2019 की है। और ठंड का सीजन होगा मेरे ख्याल से क्योंकि मैं जैकेट पहना हूँ, तो दिसंबर होगा। तो ये मैंने उनसे फर्स्ट टाइम कॉनली का ये पहला सुपर कैम खरीदा था और इसका वीडियो भी सुपर वीडियो पहला मैंने डाला था जिसमें मैंने आईफोन 6 बनाया था। एक वीडियो लाइन की शॉटिंग बताई थी कि कैसे निकालना है, और ये हमारे उस समय बिल्डिंग की तब देखो पुती भी नहीं थी, हालात देखो कितने खराब था, तो बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा ही है। देखो यहाँ पे देखो ज्यादा समय देखना, ये सब नहीं था। तो ये बहुत पुरानी फोटो है मलिक सर की, और मलिक सर हमारा 4 साल से संबंध है। दूसरी बात, आप इंस्टीट्यूट में एक टूल से लेकर जो भी चीज देखेंगे वो सारा जेडएक्स मलिक सर का ही है। और ये बात है, आज तक मेरे को एक मशीन में फॉल्ट नहीं मिला, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मशीन काम करना बंद कर दी है, क्योंकि इन्होंने जितने भी टूल दिए हैं सब ओरिजिनल टूल दिए हैं। और मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि कॉपी टूल बहुत आते हैं, आपको 861 भी मिल जाएगा, आपको DSO भी मिल जाएगा, आपको एक अच्छा मल्टीमीटर भी मिल जाएगा, पर कॉपी रहेगा। एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज हमारे टीचर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। और एक बार क्लास शुरू करने पहले अपने लिए जोरदार ताली, चलो। And thank you very much, हम पर सपोर्ट करने के लिए और हम पर भरोसा करने के लिए और इतनी दूर का सफर करने के लिए और ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम तुमको सिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, शुरू करें? Yes, sir. चलिए, थैंक यू। क्या करेंगे बोलो? बी। यहाँ पे बी आ गया यहाँ पर? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ कोडी VDD मिला? टीम में से एक कोडी मिली? अब VDD का वोल्टेज बताओ क्या लिखे थे, बताओ। नहीं, VDD का वोल्टेज बताओ क्या लिखे थे, बोलो। तो ये उसके क्या वोल्टेज होने चाहिए, चलो देखते हैं। इसमें 0.9 है, क्या वोल्टेज है? तो इस वोल्टेज को हम VDD RF1 जो DIG की लाइन पे आ रहे हैं, यहाँ पर 1.0 वोल्टेज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बताइए? 1.0 वोल्टेज। तो ये इसके इनपुट वोल्टेज है। क्या वोल्टेज है इसकी? पी का मतलब पावर होता है। क्या होता है? पावर। तो 1+P पावर मतलब 1.0 वोल्टेज। यस, ये वोल्टेज आ रहे हैं जो रेगुलेटर की सप्लाई से आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? रेगुलेटर। और उसमें भी एल सीरीज में L1 से आ रहे हैं। तो ये सब समझाऊंगा आगे। मैं दो वक्त की रोटी बहुत अच्छे से खाता हूँ, जब सेटिस्फेक्शन होता है तुम्हारे चेहरे।
नकली लोगों को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और यही रीज़न है कि इंडिया में मेरे को बहुत कुछ बोला जाता है, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ किसी से भी। अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?